हेलो एवरी वन माइन ने विजार पे एंड वेलकम बैक टून द केस स्टडी विद मी वीडियो के स्टार्टिंग में भी एक ट्रेगर वार्निंग है बट आज का केस सेंसिटिव है टाइटल से तुम्हें तो पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ आज सो या इफ़ यू कै नॉट हैंडल दैट थिंग अभी यू शुड स्किप दिस वीडियो इट्स प्रॉब्लीस होपली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन सो एंड ऑल्सो मैं लास्ट वीडियो में ये वर्बली तुम्हें बोलना भूल गया था कि तुम मुझे कैसे अब केस रिकमेंड कर सकते हो एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट की बेस्ट तरीका क्या है मेरे ले केस लेने के लिए मैंने सोचा था ये चीज की मैं एक मेल आई डी बनाता हूँ बट आई थिंक द बेस्ट for me to see the best way for me to probably see your case recommendation is through Instagram. So go in my description. उधर मैंने Instagram का link डाला हुआ है and just send your case recommendation through there. अभी मैं अपना पुराना UPI वाला backlog पूरा कर रहा हूँ but इसके बाद I will probably take your case. So this is one of those UPI वाला case. And with all of that said, let's start with this case now. Imagine this thing. उत्तर प्रदेश में जन्मी एक छोटी सी लड़की लड़कों को गाली दे रही है यह बहुत पुरानी बात है तो उस समय एक लड़की का ऐसा बिहेव करना काफ़ी अनकॉमन था तो यह लड़की इन लड़कों से लड़ जाती उन्हें पत्थर ईंटों से मारती और हंसी खुशी खेल कर घर वापस आ जाती बट एट दैट टाइम नो वन न्यू दिस थिंग कि यह लड़की बड़े होकर इंडिया के सबसे बड़ी फीमेल डाकू बनेगी मोर अबाउट अराउंड फूलन देवी फूलन देवी वॉज बॉर्न ऑन टेंथ ऑगस्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री इन जालून डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश देवी मल्ला फैमिली से थी एंड जिस गाँव में वो रहती थी गोरा का पूर्वा वो एक बहुत पिछड़ा इलाका था ऑलमोस्ट सभी लोग वहाँ गरीब थे एंड दे ऑल हैड अ स्ट्रगलिंग लाइफ इंक्लूडिंग फूलन फैमिली एज वेल इनके गांव के पास ही यमुना और चंबल नदी है तो ज़्यादातर लोग वहाँ नाव चलाने का काम मछली बेचने का काम और रिवर एक्सपोर्टिंग का काम करते हैं फूलन की फैमिली में छः लोग थे उनके डैड देवी उनकी मदर मूला देवी एंड चार बच्चे जिनमें फूलन सबसे छोटी थी फूलन मोरसो so उनके डैड के पास ज़्यादा कुछ नहीं था ज़िंदगी में बस उनके डैड के नाम पर एक ज़मीन थी और वो भी यमुना में नाव चलाने का काम ही करते थे उस टाइम पर तो ज़्यादा कुछ अपने नाम पर ना होने की वजह से ये ज़मीन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी पर फूलन देवी के चाचा और उनके चाचा के बेटे ने इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया था तो जब फूलन दस साल की थी तो उनके पापा और उसके चाचा के बीच में इस ज़मीन को लेकर कुछ झगड़ा हो गया था फूलन के डैड ने कहा कि ये जमीन तो मेरी है और साल भर साल तुम इसको अपनी तरफ ले जा रहे हो पर क्योंकि इस समय उनके चाचा और चाचा के बेटे ने ज़्यादातर ज़मीन हड़प ली थी तो देवी दिन इस समस्या को लेकर कुछ कर नहीं पाए बट अनलाइक हर डैड फूलन चुप बैठने वालों में से नहीं थी फूलन देवी बचपन से ही काफ़ी अपफ्रंट थी सीधा जवाब देना अपने लिए खड़ा उठना गाली देना यह सब उनके लिए नॉर्मल था बाई दिस टाइम पीरियड इज 1973, तो उस समय एक लड़की का इतना बोल्ड होना इट वॉज़ अनयूजल बट स्टिल शी स्टूड फॉर हर मॉरल्स बचपन से ही तो जब फूलन शाम को खेल कर घर वापस आई तो उसने देखा कि उसके माँ पापा काफ़ी चिंता में बैठे हुए हैं चाचा की लड़ाई के बाद तो फूलन देवी सीधा अपने चाचा के घर गई और वो उनसे लड़ने लगी वो उन्हें गाली देने लगी बिना डरे हुए और जब उनके चाचा नहीं माने तो वो अपनी बड़ी बहन के साथ दस साल की उम्र में पुलिस स्टेशन के आगे जाकर धरने में बैठ गई फूलन ने सब कुछ करा तो अपनी ज़मीन के लिए था अपने डैड की ज़मीन के लिए था पर फूलन के जो तरीके थे वो उनके डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आए और यहाँ से दोनों बाप बेटी के बीच में काफ़ी झड़प से शुरू हो गई फूलन की अपने डैड से नहीं बनती थी वो लड़कों को मार पीट कर कभी उन्हें गाली देकर या ईंटे से मार कर घर आती थी और जब उनके डैड को ये पता चलता कि फूलन ने ऐसा करा है तो वो उसे डांटते पर ये चाचा वाला झगड़ा अब फूलन के डैड को खाने लगा और उन्होंने ये सोचा कि मैं अब इस लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ तो जब फूलन देवी बारह साल की थी तो उनके डैड ने उनकी शादी एक थर्टी एट साल के आदमी पुट्टे लाल से कराने की सोची वो एक बच्ची ही थी और उस टाइम पे भी बाल विवाह होता था पच्चीब ट्वेल्थ और पुट्टी लाल से शादी करने के बाद फूलन देवी की लाइफ काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो गई एंड दैट वॉज नॉट फॉर द बेस्ट जैसे कि मैंने कहा फूलन देवी उस समय बारह साल की थी तो थर्टी एट साल के पुट्टे लाल ने एक बारह साल की लड़की के साथ ज़बरदस्ती करी बिना फूलन देवी के मर्जी के सो इट वॉज रेप एंड क्योंकि फूलन देवी इस समय छोटी ही थी तो उन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया उस टाइम पर बस उन्हें यह पता था कि मुझे इस घर से भागना है और उन्हें पुट्टी लाल से डर लगने लगा था शादी के बाद कहीं बार फूलन देवी अपने घर भागी थी पर फिर भी फूलन देवी के डैड उन्हें पुट्टी लाल के घर वापस भेज देते थे फूलन ने अपनी फैमिली को काफ़ी समझाया कि मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मुझे पुट्टी लाल से डर लगता है पर फिर भी उनके डैड ने फूलन देवी की बात नहीं मानी तो एक बार जब फूलन देवी पुट्टी लाल के घर से भागकर अपने घर आई तो उनके डैड ने उन्हें पुलिस स्टेशन झूठ बोलकर भिजवा दिया और फिर फूलन देवी चौदह साल की उम्र में तीन दिन पुलिस स्टेशन में रही पर इन तीन दिनों में उस पुलिस स्टेशन में रहने वाले ऑफिसर्स और वहाँ के गार्ड ने भी फूलन देवी का रेप करा और शोषण करने के बाद उन्होंने फूलन देवी को वहीं जेल में एक कोने में लिटरली फेंक दिया जिसकी वजह से फूलन देवी को मीजल्स हो गई और डॉक्टर के इंस्पेक्शन के बाद उन्हें घर भेज दिया गया जेल से घर वापस आने के बाद उनकी तबीयत ख़राब थी शीहड मीज़ और इतनी छोटी उम्र में शोषण होने की वजह से उनकी बॉडी ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाई ये सब कुछ तो तबियत ठीक होने तक देवी दिन उनके डैड ने कहा कि कोई नहीं इसे यहीं रहने देते हैं अभी। और तबियत ठीक होने पर हम इसे वापस पुट्टी लाल के घर भेज देंगे तो घर में बीस दिन रहने के बाद जब फूलन देवी वापस पुट्टी लाल के घर गई तो उन्होंने देखा कि पुट्टे लाल ने दूसरी शादी कर दी थी फिर भी पुट्टे लाल ने फूलन देवी को अपने घर में रखा अगले कुछ हफ्तों तक वो उसे बहुत मारता उसे डांटता उसे ज़बरदस्ती घर का काम करवाता उससे खाना बनवाता और फिर फाइनली एक दिन उसने फूलन देवी का सारा सामान लेके उसे घर से बाहर फेंक दिया अब पति ने भी घर से बाहर निकाल दिया बाप ने भी घर से बाहर निकाल दिया एक अकेली लड़की कहाँ जाती तो वापस अपने गाँव में फूलन देवी के कुछ पुराने मल्ला दोस्त एक गैंग के मेंबर थे सभी को उस समय फूलन देवी के बिहेवियर के बारे में तो पता ही था कि ये रिबेलियस है किसी से भी लड़ लेती है और डरती भी नहीं है तो फूलन देवी के दोस्तों ने उसे अकेला देख कर अपने डाकू गैंग में शामिल कर दिया और यहाँ से फूलन देवी की बैंडित क्वीन की कहानी शुरू होती है 1979 में फूलन देवी चंबल अपने डाकू गैंग के साथ पहुंची इस डाकू गैंग का लीडर बाबू गुज्जर था और सेकेंड ली में विक्रम मल्ला था तो उस गैंग में रहते हुए फूलन ने ऑलमोस्ट सभी को अपना दोस्त बना लिया था इवन दो शी द ओनली फीमेल इन गैंग फूलन ने अपनी लाइफ की पूरी कहानी विक्रम मल्ला को बताई और उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद विक्रम मल्ला को फूलन से काफी सिंपति भी हुई और कई लोग कहते हैं कि विक्रम मल्ला को फूलन से शुरू से ही प्यार था इवन दो ही था उस टाइम पे इस गैंग का सेकंडली विक्रम मल्ला फूलन देवी का ध्यान रखता था दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक फ्रॉम दिस तो चंबल पहुंचने के बाद ये सब लोग जब पहली बार बाबू गुजर से मिले तो इन्होंने वहाँ चंबल में ही एक कैंप लगाया ये सोचकर कि आज रात हम यही रुक जाते हैं और कल अपने गैंग लीडर के साथ बाबू गुजर के साथ हम आगे बढ़ेंगे बट उस रात बाबू गुजर फूलन देवी के कैंप में गया शी वॉज फियरलेस पर उनका साइज़ काफी छोटा और पटीत भी था तो बाबू गुजर ने सोचा कि छोटी सी लड़की है और बाबू गुजर की ना जो नीयत थी वो भी ख़राब थी तो बाबू गुर्जर ने फूलन देवी पर रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश करी फूलन देवी उससे काफ़ी लड़ी काफ़ी चिल्लाई और ये शोर विक्रम ने सुन लिया था वो फूलन के कैंप में आया जिसके बाद विक्रम और बाबू के बीच में लड़ाई हो गई बाबू गुजर को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा कि एक लड़की के लिए मेरा इतना खास आदमी मुझसे लड़ रहा है बहस कर रहा है तो विक्रम को धमकाने के लिए बाबू गुजन ने विक्रम की तरफ गन पॉइंट करी और उसी इंस्टेंट विक्रम मल्ला ने भी अपनी गन निकाली और जैसे ही उन्होंने गन निकाली उन्होंने बाबू गुजर को गोली मार दी उसके अगले दिन से ही अपने आप को ऐसे मौसर्ज लोगों से बचाने के लिए विक्रम ने फूलन देवी को गन चलाना सिखाया उन्हें लड़ना सिखाया उन्हें डाकूगिरी सिखाई और कहीं ना कहीं इन सबके बीच में फूलन देवी को भी विक्रम से प्यार हो गया देवर ऑलमोस्ट अ कपल नेवर ऑफिशियली बट देवर ऑलमोस्ट अ कपल एंड क्योंकि बाबू गुजर अब मर चुका था तो गैंग लीडर की पोजिशन खाली थी तो बिना ऑफिशियली गैंग लीडर बने विक्रम इस पूरे गैंग को अब लीड करने लगा और जब सब लोगों ने देखा कि विक्रम काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है हर एक चीज़ को तो उन्होंने उसे प्रॉपर्ली वाइड हो तो उन्होंने उसे प्रॉपर्ली लीडर बना दिया विक्रम वॉज दिस वे ऑफ सनशाइन इन फ्लूंस लाइफ यू नो सो इट इट कैन मेक्स मी हैप्पी कमिंग बैक टू द स्टोरी विक्रम के लीडर बनने के बाद फूलन के दिमाग में रिवेंज था था पुट्टी लाल ने जो इतनी छोटी उम्र में फूलन देवी के साथ करा था उन्हें उसका बदला चाहिए था तो विक्रम को मना कर फूलन देवी और उनका पूरा डाकू गैंग पुट्टी लाल के घर गए और खुद घर के अंदर जाकर फूलन देवी ने पुट्टीलाल को सर से बाहर खींचा और फिर पुट्टी लाल को कई कोने में नहीं बीच चौराहे में ले जाकर फूलन देवी ने उसकी पिटाई करी पुट्टीलाल अपनी जान की भीख मांग रहा था और जब वो अधमरा सा था तो फूलन देवी ने उसे छोड़ दिया और क्योंकि एक आदमी की बीच चौराहे में पिटाई हो रही थी तो वहां पे काफी सारे लोग जमा हो गए थे तो फूलन देवी ने हर एक आदमी को एड्रेस करते हुए कहा अगर किसी भी आदमी ने एक बच्ची का शोषण करा तो मैं उसे गोली मार दूंगी इवन इन हर ओल्ड एज फूलन देवी अप फॉर यंग गर्ल्स या फिर जो भी लेडीज जेल में थी उनके लिए भी और जो भी ये उनका हॉरेबल एक्सपीरियंस था पुट्टी और पुलिसमैन के साथ उन्होंने उसके लिए जेनविनली फाइट करी थी मरते दम तक ये चौराहे वाले इंसिडेंस के बाद फूलन देवी का काफ़ी नाम होने लगा गांव से ये बात कि पुट्टे लाल को एक औरत ने माना है आग की तरह फैल गई और सभी लोग फूलन देवी को दस्यु सुंदरी मीनिंग ब्यूटीफुल बैंड बुलाने लगे और मीडिया में भी फूलन देवी को एक डाकू होने के बावजूद काफ़ी हाई रिकॉर्ड में देखा जाता था फूलन देवी और विक्रम मल्ला इनका जो डाकू का गैंग था उनका मेन काम गाड़ियां चुराना या फिर पैसे चुराने का था पर फूलन के कहने पर विक्रम काफी बड़ा पोर्शन गरीबों में भी बांटता था जिसकी वजह से फूलन देवी को मीडिया में इंडियन रॉबिन हुड जैसा दिखाया जाता था और छोटी लड़कियां तो फूलन देवी को दुर्गा का अवतार मानती थी जस्ट द इमेज ऑफ हर फाइटिंग फॉर हर सेल्फ एंड पुअर पीपल गेव अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड पीपल होप अब हम थोड़ा सा इस गैंग के बारे में पास की बात करते हैं बाबू गुजर जब इस गैंग का लीडर था तो उसने अपने दो आदमी श्री राम सिंह और लाला राम सिंह को एक गाड़ी चुराने के लिए भेजा था पर चोरी के समय इनसे एक आदमी का कत्ल हो गया और ये जेल के अंदर बंद हो गए जब ये जेल से छूट कर टाकू गैंग में वापस आए तो इन्हें पूरी स्टोरी पता चली कि कैसे बाबू गुजर को विक्रम ने फूलन के चक्कर में मार दिया है शुरू से ही बाबू गुजर के गैंग में कोई छोटी बड़ी कास्ट का सिस्टम नहीं था गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर कास्ट के लोग यहाँ शामिल थे पर श्री राम और लाला राम दोनों ही पैसे वाले और हाई कास्ट के ठाकुर थे एंड बोथ ऑफ देम दे डिड नॉट एक्सेप्ट विक्रम एज देयर लीडर तो पावर लेने के लिए इन तीनों के बीच में लड़ाई हो गई श्री राम सिंह बाबू गुजर जो कि इस डाकू गैंग का पहला लीडर था तो श्री राम बाबू गुजर के काफ़ी क्लोज था तो उसने रेज में आकर विक्रम को पूरे गैंग के सामने गोली मार दी और विक्रम को मानने के बाद श्री राम इस गैंग का लीडर बन गया और लाला सिंह सेकंड इन कमांड अब फूलन देवी पावरफुल तो थी और जैसा मैंने बताया कि उनके गैंग के सारे मेंबर्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे पर नए लीडर की बात तो सभी को माननी पड़ती है तो विक्रम की प्रोटेक्शन के बिना अब फूलन देवी अपने ही गैंग में काफ़ी सा फील कर रही थी और फिर श्री राम ने इस डर का फायदा उठाने की सोची श्री राम और लाला राम दोनों से ही ये देखा नहीं गया कि एक लड़की पूरे लड़कों से भरे हुए गैंग में एक राइफल पकड़ के खड़ी है उन्हीं की तरह पावरफुल है उन्हीं के साथ बराबरी करती है एंड एज शी वॉज अ प्यार की निशानी ऑफ विक्रम एज वेल well, तो श्री राम को बाबू गुजर के नाम पर फूलन से बदला लेना था एक दिन श्री राम चोरी के नाम पर फूलन को लेकर एक सुनसान बहमाई के गांव में एक ठाकुर के घर में ले गया जहां श्री राम ने फूलन को करीब तीन हफ्ते तक रेप करा फूलन की चीखें कहीं लोगों को सुनाई देती थी इन फैक्ट जिसका वो घर था उसने तो ये सब कुछ होते हुए देखा भी था पर कोई भी उस समय कुछ नहीं बोलता था दे ऑल जस्ट इग्नोर्ड इट और कहीं लोगों ने सिर्फ श्री राम ने नहीं कहीं लोगों ने उन तीन हफ्तों में फूलन का मल्टीपल टाइम रेप करा एंड एज एफ बींग लाइक दैट वॉज एन एनव श्री राम फिर भी वहाँ रहकर फूलन देवी से उस घर का काम करवाता था वो फूलन देवी से बाहर कुएं से पानी निकालने के लिए भी बोलता था वेन शी वॉजरिंग एनी थिंग अब तीन हफ्ते से फूलन देवी गायब थी तो किसी तरह डाकू गैंग के और जो लोग विक्रम से बहुत प्यार करते थे उन्हें पता चल गया कि फूलन देवी को एक रिमोट गांव में किसी घर में बांधा हुआ है और उनके साथ ऐसी जाति हो रही है तो डाकू गैंग के दो लोग उन्हें बेमाई से वापस लेकर आ गए फूलन देवी वापस आने के बाद अपने ट्रस्टवर्दी लोगों के बीच में होने के बाद भी कुछ दिनों तक कुछ बोल नहीं पाई एंड हु कुड ब्लेम हर राय इतनी हॉरेबल चीज़ें हुई थी उनके साथ वो भी इतने सारे आदमियों की वजह से और वो भी ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हो रहा था बचपन से ही उनके साथ ऐसा होता आ रहा था तो फूलन देवी ने यह सोचा कि अब बहुत हुआ और उन्होंने उन दो लोगों से मिलकर कहा कि मैं अपनी खुद की एक गैंग बनाना चाहती हूँ जितने भी लोग विक्रम में विश्वास करते थे उन्हें मेरे पास ले आओ और फिर एक नया डाकू का गैंग बनाकर फूलन देवी खुद उस गैंग की लीडर बन गई एंड देयर फर्स्ट मिशन वर्स फाइन तो श्री राम एंड लाला राम फूलन देवी अपने नए गैंग के साथ उस ही गाँव वापस आई जहां सबको पता था कि उनके साथ क्या हुआ है और किन किन आदमियों ने उनके साथ जबरदस्ती करी है फूलन देवी ने गांव वालों से डिमांड करा कि तुम चुपचाप चाप श्री राम और लाला राम को मुझे दे दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी पर इन गांव वालों ने ऐसा नहीं करा एंड देवर प्रोटेक्टिंग लाला राम एंड श्री राम तो फूलन देवी ने उन्हें डराने के लिए गाँव में हर एक घर लूट लिया उनका सामान तोड़ दिया और जिन्होंने भी फूलन देवी को छुआ था वो उन्हें मारकर श्री राम और लाला राम की इन्फो निकालने लगी पर फिर भी उन्हें कोई इन्फो नहीं मिली देर साइलेंस तो फिर गुस्से में 22 मर्दों को लेकर फूलन देवी ने यमुना के तट पे उन्हें लाइन में बिठाया 22 लोग अपने घुटनों पर रिवर को फेस करते हुए बैठे थे और फूलन देवी के हाथ में ऑपोजिट साइड पर एक कंध थी वो एक एक से पूछती रही कि क्या तुमने श्री राम या लाला राम को देखा है और इन आदमियों के आंसर के हिसाब से फूलन देवी उनके सर पे गोली मारती थी बाईस लोगों में से लास्ट में सिर्फ दो लोग बचे एंड अगेन दिस किलिंग स्प्री स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर सीरियसली 1983 में हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तो जब उन्हें इस यमुना इंसिडेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने फूलन देवी को अरेस्ट करना अपनी प्रायोरिटी बना लिया और कुछ हफ्तों में ही फूलन देवी अरेस्ट भी हो गई थी बट शी डिनाइड डिनाइडिंग संग कि मैं तो उस समय थी ही नहीं फूलन देवी की बुक से so if it seems कि एक सांभा वाला हुड बन गई थी हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ फूलन देवी पर अगर तुमने कभी फूलन देवी के बारे में सुना होगा अपने पेरेंट्स या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से तो तुम लोगों ने ये वाला पार्ट पक्का सुना होगा पुलिस तो फूलन देवी के गैंग के पीछे थी ही पर उनका गैंग अमीर लोगों से पैसे चुरा गरीब में बांटने लगा वो पैसे से बच्चों की मदद करते थे शादियों में लोगों की मदद करते थे और ऐसा करते करते फूलन देवी ने आम जनता का काफी ट्रस्ट गेन कर लिया था बिकॉज शी वॉज डूइंग दिस जस्ट बाई हर सेल्फ बिना किसी प्रेशर के बिना किसी गन पॉइंट के शी वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर हर सेल्फ उन्हें बस अपना चाइल्ड हुड किसी और बच्चे में नहीं देखना था वो इसलिए सब कुछ करती थी बट दिस हेल्प इट केम एट अ वेरी हैवी कॉस्ट जैसे कि मैंने कहा कि इंदिरा गांधी ने सीधा एक्शन लिया था उस समय तो अलॉट ऑफ पुलिसमैन वर बिहाइंड फूलन देवी जिसके चक्कर में उनके गैंग के कहीं आदमी मारे गए तो भागते हुए चोरी करते हुए अपने आदमी लूज करते हुए अब दो साल के बाद सो इन नाइनटीन एटी फूलन देवी ने ये डिसाइड करा कि मैं और अपने करीबी लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकती एंड शी डिसाइडेड To on her own terms. I mean, जो लेडी एक अनजान घर के लिए एक बच्चे के लिए, औरत के लिए इतनी हेल्प कर सकती है वो कैसे अपने डाकू के गैंग में मरता हुआ देख सकती होंगी सो शी डिस कंडीशन थी फर्स्ट वॉज दट शी विल नॉट सरेंडर इन यूपी एज यू कैन अंडरस्टैंड की यूपी के पुलिस ने जेल में उनके साथ क्या क्या करा था तो फूलन देवी को तो यूपी के पुलिस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था विल सरेंडर इन मध्य प्रदेश ओनली थर्ड बॉज कि सरेंडर के टाइम पर भी उनके हाथ में एक गन होनी चाहिए ऑब्वियसली वो ये गन यूज नहीं करेंगी पर वो ये गन किसी भी पुलिस वाले को नहीं देंगी और सिर्फ वो अपनी बंदूक को सरेंडर होने के बाद गांधी जी की फ़ोटो के नीचे छोड़ के चले जाएंगी फोर्थ बॉस फूलन देवी के पूरे गैंग मेंबर्स को सो इंक्लूडिंग हर तो उनके पूरे गैंग में किसी को भी तंग नहीं करा जाएगा और फ्यूचर में इस इंसिडेंस को लेके उन्हें कभी भी फांसी की सजा नहीं होगी फिफ्थ वॉज

वो सबके सामने लाइव टेलीकास्ट होगा एंड फूलन देवी की पूरी फैमिली को एम लाया जाएगा ताकि वो ये चीज़ देख सके और फूलन देवी के सरेंडर के टाइम पर उनके साथ मौजूद हो सके दीज कंडीशन वर आउट रेच हो इट डज़ नॉट मैटर कि तुम लोग इस चीज़ को किस एंगल से देखते हो तो काफ़ी चर्चा हुई काफ़ी पॉलिटिशियंस के बीच में बहस भी हुई पर फिर फाइनली ठीक एक साल बाद 1982 में सरकार ने इन शर्तों को मान ही लिया और फूलन देवी ने लाइव सरेंडर कर दिया यू कैन नॉट इमेजिन कि वहां पर कितने लोग मौजूद थे कितने पुलिसमैन कितने गार्ड्स कितने पॉलिटिशियन कितनी आम जनता और कितने लोग इस चीज को घर से देख रहे थे और फिर फूलन देवी को 11 साल के लिए जेल में डाल दिया गया जेल में फूलन देवी की तबीयत काफी खराब होने लगी तो 1994 में फूलन देवी को रिलीज कर दिया गया ताकि वो अपनी बीमारियों को ट्रीट कर सकें पर रिलीज होने के तीन दिन बाद मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी के अगेंस्ट 48 चार्जेस विच इंक्लूडेड रॉबरी मर्डर अबडक्शन तो उन्होंने 48 के 48 चार्जेस फूलन देवी के अगेंस्ट ड्रॉप कर दिए और फिर मुलायम सिंह यादव जी ने ही 1995 में फूलन देवी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करी 1996 में फूलन देवी लोकसभा के चुनाव के लिए खड़ी हुई और उनके पास में हेल्प की वजह से और जो इतना एक्सट्राविगेंट उन्होंने सरेंडर करा था उसकी वजह से भी वो काफ़ी फेमस थी तो ओवरऑल पोल में वो तीन लाख वोट से जीत गई इलेक्शन जीतने के सीधा बात फोलन देवी जी ने ये कहा आई वॉन्ट टू ब्रिंग हॉस्पिटल स्कूल्स इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन वाटर टू द पुअर इन द विलेजेस आई वॉन्ट टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज एंड टू इम्प्रूव लाइफ फॉर वुमेन फूलन देवी जी की लाइफ आसान नहीं थी इतना पढ़ने के बाद दैट इज फॉर श्योर इतना सब कुछ हॉरेबल चीज़ें होने के बाद भी उनके मन में बच्चों के लिए और गरीब लोगों के लिए कुछ करने की चाह थी एक अनपढ़ होने के बावजूद वो लोगों के प्यार की वजह से ही दो बार लोकसभा का चुनाव जीती थी और अपने सारे काले क्रम उन्होंने पास में ही छोड़ दिए थे पर आज फूलन देवी कहाँ है वेल ट्वेंटी जुलाई टू को तीन अनजान लोगों ने फूलन देवी को उनके घर के बाहर गोली मार दी थी और वो तीनों आदमी फूलन देवी जी को गोली मारने के बाद फरार हो गए शोक का माहौल एकदम से अचानक ये क्या हुआ किसी को भी कुछ समझ नहीं आया पर कुछ दिन बाद इन तीनों में से एक आदमी शेर सिंह राणा को पुलिस ने पकड़ लिया जिसने ही फूलन देवी को गोली चलाई थी इफ यू रिमेम्बर फूलन देवी ने बहवाई में बाईस लोगों को गोली मारी थी बाईस नहीं बीस लोग एक्चुअली पर इन बीस लोगों में से एक शेर सिंह राणा का रिलेटिव था और फूलन देवी की इस लेगेसी को देखकर उसे काफ़ी जलन हुई उसे ऐसा लगा कि वाई इज एवरी वन अप्रीशिएटिंग हर इसे तो बस जान लेना आता है ये किसी की मदद नहीं कर रही है तो उसने जलसी की वजह से दो लोगों के साथ और मिलकर फूलन देवी को 2001 में गोली मार दी दिया शेर सिंह राणा वॉज पुट बिहाइंड बार्स एन तिहार जेल फूलन देवी जब जिंदा थी तो उन्होंने अपनी लाइफ में हार्डशिप्स के बावजूद भी समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहा और ये सब कुछ बस चुनाव के लिए नहीं था वॉज डूइंग ऑल ऑफ दिस की वजह से उन्हें यहां से जाना पड़ा समय से मैं क्योंकि उन्होंने बीस लोगों को सीधा गोली मार दी थी और फिर ये है क्वेश्चन एंड दिस इज जस्ट लाइक अ बिलीव थिंग कि कर्मा सबको बराबर की सजा क्यों नहीं देता उन पुलिस मैन के साथ क्या हुआ जिन्होंने फूलन देवी जी के साथ पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती करी थी इट्स जस्ट समथिंग टू थिंक अबाउट आई गेस एंड विद दैट फूलन देवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस केस विद माई रिलेटिव एंड उन्होंने मुझे बोला कि फूलन देवी जी के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है सैडली आई कुड नॉट वॉच दैट थिंग क्योंकि ये अभी एक घंटे पहले की बात है बट लेट मी नो इफ यू गायज हैव सीन दैट मूवी एंड विद दैट सब्सक्राइब टू मी बिफोर आई अ मिलियन एंड आई विल होप दैट यू गायज आर हैप्पी प्लीज़ कीप योर लव ड वेरी क्लोज टू यू गायज And I will see you very, very soon. Bye bye.